तो फ्रेंड कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ज्यादा ही अच्छे होंगे। तो आज हम 20 MCQ देखने वाले हैं अपने चैप्टर के। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका MCQ क्या है? उद्धव किसके पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। यहाँ बोल रहे हैं उद्धव जी किसके साथ रहे हैं लेकिन उनसे प्रेम में मोहित नहीं हुए। ऑप्शन नंबर ए माता पिता, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन डी श्री कृष्ण। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड और आंसर आपको नीचे कमेंट करने हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उद्धव उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां किस पर बैंग कर रही है? ऑप्शन नंबर ए उद्धव पर, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण पर, ऑप्शन नंबर सी कवि पर, ऑप्शन नंबर डी स्वयं पर। 5 सेकेंड और आंसर नीचे कमेंट करो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव पर गोपियां बैंक कर रही है, यानी मजाक उड़ा रही है वगैरह, इस तरह सीरियस मजाक नहीं, नॉर्मल वाले। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह छूते रहे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी सेब, ऑप्शन नंबर डी कमल। बताओ ऑप्शन नंबर फिल करो और इसका आंसर बताओ। थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। नीचे आंसर कमेंट करो। आंसर देखते हैं कमल। आने उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह छूते रहे जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण का प्रेम, ऑप्शन नंबर सी गोपियां, ऑप्शन नंबर डी उद्धव। यानी तेल में डूबी हुई गगरी को क्या छू नहीं पाता? बताओ इसका आंसर। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो तेल और जल दोनों कभी मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग कर देता है? ऑप्शन नंबर ए गोपियां, ऑप्शन नंबर बी चीटियां, ऑप्शन नंबर सी लोग, ऑप्शन नंबर डी कवि। यानी कौन गुड़ से पूरा लिपट जाता है, घुल मिल जाता है और अपना प्राण त्याग कर देता है। बहुत आसान है, इसको नॉर्मल कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा चीटियां। चीटियां ही ना गुड़ से लिपटती है, एग्जाम्पल दे रही थी गोपियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां मन की डैश को मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती है। ऑप्शन ए व्यथा, ऑप्शन नंबर डी भाव, ऑप्शन नंबर सी बात, ऑप्शन नंबर डी आवाज। चलो 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। गोपियां कौन सी बात मन में अपने कोशिश व्यथा गोपियां मन की व्यथा को मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियां से मिलने भेज दिया था? यानी श्री कृष्ण ना खुद जा सकते थे अपना बात को रखने के लिए गोपियां के सामने, लेकिन वह किसी और को भेजे थे अपना लेटर लेके, अपना बात लेके। ऑप्शन नंबर ए सैनिक को, ऑप्शन नंबर बी पत्र को, ऑप्शन नंबर सी कबूतर को, ऑप्शन नंबर डी उद्धव को। किसको भेजे थे श्री कृष्ण? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव को भेजे थे। उद्धव आगमन ने गोपियां के वीर अग्नि को, इसका आगे कंप्लीट करना लाइन को, शांत कर दिया। ऑप्शन बी प्रज्वलित कर लिया, ऑप्शन नंबर सी कुछ नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त कोई भी नहीं। बताओ उद्धव आगमन यानी उद्धव जी जब गोपियां के पास पहुंचे तो क्या हो गया, गोपियां को कैसा इमोशन हुआ, वो उसका आंसर देना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रज्वलित कर लिया, यानी पूरा एक्साइटेड कर दिया, वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, गोपियां की दशा डैश पक्षी की तरह हो गई। चलो बताओ गोपियां की सिचुएशन कैसी हो गई? ऑप्शन नंबर ए बेचारी, ऑप्शन नंबर बी एक, ऑप्शन नंबर सी मोर, ऑप्शन नंबर डी हरी। कौन पक्षी की तरह उनका सिचुएशन हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरील पक्षी की तरह गोपियां का सिचुएशन, दशा को सिचुएशन बोलते हैं, हो गया था। कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है? एक पंजे पर यानी दो पंजे नहीं, एक पंजे पर लकड़ी को पर मजबूती से पकड़े रहता है, कौन सा पक्षी? ऑप्शन नंबर ए मोर, ऑप्शन नंबर बी कौवा, ऑप्शन नंबर सी हरील, ऑप्शन नंबर डी चिड़िया। पक्षी का बोल रहा है, चिड़िया कहाँ से आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरील पक्षी एक पंजे पर पूरा लकड़ी को पकड़े हुए रहता है मजबूती से।
इससे पहले आपको बता देता हूँ, एमसीक्यू आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुद से अटेम्प्ट करनी चाहिए अपने मोबाइल पर। तो मैंने ज्ञानचल ऐप पर एमसीक्यू दे रखे हैं फ्री, उसके लिए पेमेंट नहीं करनी। वहाँ उसका थंबनेल है, जाके आप देख, इंग्लिश हिंदी और एसएसटी का एमसीक्यू दिया और लेटेस्ट एमसीक्यू, जाओ उसमें प्रैक्टिस करो। साथ में एक और कोर्स है जिसमें मैं मैथ और साइंस पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छे से लेक्चर्स दिया हूँ। जो बच्चे को मैथ और साइंस समझ में नहीं आते ना, इसको इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने टारगेट ही ऐसे बच्चों को किया हूँ जिसको समझ में नहीं आते हैं। उसमें वीडियो लेक्चर दिया हूँ, लेटेस्ट एमसीक्यू वहाँ पे सॉल्व करवाया हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ जो एग्जाम के पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको ज्वाइन कर सकते हो, या पेड है, बहुत रीजनेबल सा प्राइस है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, या तो फ्री इसको ज्वाइन कर ही लेना डाउनलोड करके कैंसल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियाँ को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान डैश के समान लग रहा था। योग का जब पत्र मिला, उन्हें संदेश मिला गोपियाँ को, तो कैसा व्यवहार था उनका, कैसा लग रहा था, उन्हें फील कैसा हो रहा था? ऑप्शन ए कड़वी ककड़ी जैसा, ऑप्शन बी मीठी ककड़ी जैसा, ऑप्शन नंबर सी खट्टे रस, ऑप्शन नंबर डी मीठे फल। 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा था उनका योग संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का क्या कार्य है बता। इसका ऑप्शन पहले बता देता हूँ, बीमारियों दूर करना, ऑप्शन नंबर बी मन को स्वस्थ रखना करना, ऑप्शन नंबर सी मन को एकाग्र करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बता योग का क्या कार्य है। ऑप्शन आपको गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। योग सारी चीजों को ठीक कर देता है। योग यानी यहाँ पे इस ये वाला योग की बात कर रहा है, ये वाला योग कर लो या फिर एक्सरसाइज जो करते हैं उसका योग की बात हो रहा है, अभी योग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां को किस प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए योग का उपदेश, ऑप्शन नंबर सी शांति का उपदेश, ऑप्शन नंबर डी सी ज्ञान का उपदेश, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। चलो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा योग का उपदेश उनको नहीं देना अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां के अनुसार श्री कृष्ण के क्या पढ़ लिया है। बताओ गोपियां क्या सोचती, श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है मथुरा जाकर। ऑप्शन नंबर ए विज्ञान साइंस, ऑप्शन नंबर बी राजनीति पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर सी उपदेश, ऑप्शन नंबर डी शास्त्र। बताओ इसका सही आंसर क्या है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीति। गोपियां सोच रही है ना कि श्री कृष्ण ने मथुरा चले गए तो राजनीति पढ़ लिए, और इंटेलिजेंट हो गए, खुद नहीं आए उद्धव जी को भेज रहे हैं, या सोच रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, गोपियां को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण के अपना मन फेर लेना चाहिए। जो स्टेटमेंट है सही है कि गलत है। गोपियां को लग रहा है कि उन्हें अब श्री कृष्ण को ना छोड़ देना चाहिए, उनसे अब प्रेम नहीं करना चाहिए, यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताओ। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। सही आंसर हो जाएगा सही है, उनको लग रहा था कि अब श्री कृष्ण को छोड़ देना चाहिए जब बीच में यह हो रहा था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं, यानी पूरा प्रेम में पड़ चुकी हैं, उनसे पूरा प्रेम करने लगी हैं गोपियां किनके। ऑप्शन नंबर ए उद्धव प्रेम, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रेम, ऑप्शन नंबर सी संगीत प्रेम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रेम में गोपियां आसक्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां स्वयं को क्या समझती है। ऑप्शन नंबर ए डरपोक, ऑप्शन नंबर बी निर्बल, ऑप्शन नंबर सी अबला, ऑप्शन नंबर डी साहसी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने वीडियो में बना चुका हूँ, आपने देखो उसको देख सकते हो। साथ में यदि आपको अच्छे लग रहे हैं या एमसीक्यू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। चलो देखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप खुद को अबला नारी समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। ऑप्शन ए भक्तों को, ऑप्शन बी उद्धव को, ऑप्शन नंबर सी गोपियां को, ऑप्शन नंबर डी यशोदा को। यानी कृष्ण के प्रतीक्षा कौन कर रही थी, गोकुल वापस आएंगे श्री कृष्ण, हम उन्हें अपने मन की बात बताएंगे, कौन ऐसा सोच रही थी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपियां को इंतजार था श्री कृष्ण वापस जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियां को कृष्ण के व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए उद्धार, ऑप्शन नंबर बी छलपूर्ण निष्ठुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सही आंसर हो जाएगा छलपूर्ण, गोपियां को लग रहा था श्री कृष्ण उनके साथ छल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, गोपियां को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे।
ऑप्शन नंबर ए ब्रज, ऑप्शन नंबर बी द्वारका, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। सही आंसर बताओ 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये आपको अच्छा लग रहा है एमसीक्यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे गोपियां को छोड़ करके। तो हमारा 20 MCQ खत्म हो गया। आप खुद से MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो इंग्लिश हिंदी SST के, तो जाओ ऐप डाउनलोड करो अभी कभी, वहां पे मैंने फ्री में दे चुका हूँ MCQ, खुद से अटेम्प्ट करो यार। और साथ में एक और कोर्स है एवरेज से टॉपर में बनाया हूँ, इतना अच्छे से वहां पढ़ा चुका हूँ मैथ और साइंस, वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, कभी कोर्स खत्म नहीं होने वाले हैं। उसमें MCQ भी दिया हूँ, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। या पेड है, ज्यादा प्राइस नहीं, रिजनेबल प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हो। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।